कह रहा था दिखाना पड़ेगा। एक भी मीडिया इंटरव्यू लाइए या एक भी मेरा रिटन स्टेटमेंट लाइए जहाँ पर मैंने कहा कि मैं ऑफिशियली इसको कॉल ऑफ करती हूँ। कोई भी लाइए। आपने क्या कहा? आपने कितना कहा? आपने कल से मेरी बात चल रही है, कॉम्पनसेशन जितने बाकी कोचिंग कि तुम बुक को फाड़ दोगी, तुम ऐसे कर दोगी, वैसे कर दोगी, कैसे? टैक्टिक्स कोई बात की? टैक्टिक्स कुछ नहीं होता है, टैक्टिक्स कुछ नहीं होता है, टैक्टिक्स कुछ भी नहीं होता है। इनके फैमिली से बात की तो क्या? इस पेज में सब कुछ थोड़ी मेंशनड है, लाइए मैं उस बुक के पेज को खोल के दिखाती हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है। बोला है, देखिए ये किताब को लेके कुछ लोगों के मन में गुस्सा है इसको लेकर। हाँ, और बहुत घटिया किस्म की सोच है लोगों की कि हमारी फ़ोटो नहीं आई, हम प्रोटेस्ट में थे, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। बड़ी घटिया किस्म की और सिर्फ इतनी सेल्फिश जिन्होंने लोगों ने सोच रखी। मेरे को इतना प्रताड़ित करा कि मैंने थाने में जाके कंप्लेंट करी है क्योंकि मुझे डेथ थ्रेट आए कि हमारी इमेज नहीं है। ये तक सिचुएशन है। स्टूडेंट्स नहीं? हाँ, स्टूडेंट्स नहीं, जो कुछ प्रोटेस्ट में शाम को दारू पी के आते थे, लड़कियाँ खेलने आते थे, इन लोगों ने मेरे को डेथ थ्रेट दिया है। ये लोग आज भी माहौल ख़राब करने की कोशिश है कि कोई, जब मैंने 15 तिरंगा यात्रा हुई 15 अगस्त को, तो मैंने ओपन कॉल किया था, इसका बुक कवर का रिलीज़ किया था, तब तो कोई बात करने नहीं आया कि भाई हम ये बात रखना चाहते, हम ये बात नहीं रखना चाहते। अब जब फ़ोटो की बात आ गई तो खूब गाली गलोच, खूब धमकियाँ, खूब लड़ाई, एक आध तो यहीं खड़े हैं उस बात पर। आपने कंप्लेंट की है? हाँ जी, थाने इसमें राजेंद्र नगर थाने में कंप्लेंट करी। मेरे को डेथ रहा है आपको जानकर? हाँ, मेरे पास ऑडियो दर्द लिखना भी बड़ा नहीं, मैं अगली में तो अपनी व्यथा है, ये हमारी व्यथा है, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, एक जरिया है कि लोग इसको पढ़ कर ना कुछ मतलब डिसिप्लिन में फॉलो करें, रूल रेगुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सर ने इस प्रोटेस्ट में राजनीति भी घुस गई है। राजनीति स्टार्टिंग में भी थी और आप अभी भी देख सकते हैं लड़की खूब हल्ला गुल्ला मचा रही है, जबकि भाई पैसे मेरे, मर्जी मेरी। सर, ये लवकेश भाई ने किताब लिख के हमारी मूवमेंट को जिंदा रखने की एक मुहिम है। हमारी मूवमेंट के जितने इवेंट्स हुए थे उनको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लाके प्रेजेंट किया गया है ताकि जो हमारी मूवमेंट थी वो बच्चों को पता लगे क्या मूवमेंट थी, कैसे बच्चों ने मुश्किलों का सामना करके इस लड़ाई को मुकम्मल किया और हमारी आवाज़ को पहुँचा जी। सो इन्होंने स्टूडेंट्स के कंसर्न्स जितने थे, जो स्टूडेंट की बुक लॉन्च एंड पीपल हैव फ्रीडम टू स्पीच हियर टू टॉक अबाउट व्हाट एवर हैपेंड एंड हाउ इज इट और हाउ इट हैज हैपेंड। ये जो किताब है इस बुक में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रमोशंस मेंशनड है। हम आप इतना बड़ा बड़ा मेमोरी समराइज लास्ट पेज पे मेंशन किया हुआ है। मेरी किताब, मेरे पैसे, मेरी मीडिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दिस इज माय मीडियम, सो दिस इज हिज प्रोटेस्ट और उस प्रोटेस्ट माय मीडियम, सो दिस इज हिज प्रोटेस्ट। वो किताब, वो प्रोसेस, वो संघर्ष वो उन्होंने लिखा, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये है कि इस मोमेंट में, इस प्रोटेस्ट में जो भी हुआ है वो क्रोनोलॉजी के बेसिस पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, एक जो प्रोटेस्ट होता है उस प्रोटेस्ट का मोमेंटम क्यों बना, लोगों में उबाल क्यों आया, लोगों में आक्रोश क्यों आया, किस वजह से आया, कुछ मेंशन नहीं है। अगर हम ये देखेंगे कि इस बुक को आगे जाके अगर हम देखेंगे कि अगर फिर से कोई ऐसी नई डिमांड आती है जो कि एस्पिरेंट्स के मूवमेंट से ही कनेक्टेड है, दिस विल बी यूज्ड एज अ प्रॉपर लिटरेचर। एंड डू यू रियली थिंक, इस पे आप भी अगर चाहें तो कुछ लिख सकते हैं उसमें, डू यू रियली थिंक अ लिटरेचर शुड बी सो फ्लॉड? आप लोगों ने यहां एक उसके व्यक्तिगत एफर्ट है। सर, ये फाइनल किताब नहीं है, अभी इसमें बहुत से अपडेट होने हैं और बहुत से इसमें एरर्स हैं जिसको अभी करना है, फिर कंसल्टेशन के लिए डाली गई है। डाला है तो प्रॉपर बुक लॉन्च कैसे हो सकता है? अब बुक लॉन्च इज अ फाइनल प्रोडक्ट, अब बुक लॉन्च इज अ फाइनल प्रोडक्ट। खत्म करो, जितना मतलब यहाँ बुक लॉन्च का इवेंट था वो हो गया। ये बुक लॉन्च का इवेंट है तो पहले आप लोग ने लिटरेचर रिव्यू करवाया नहीं करवाया? बुक लॉन्च आपके इश्यूज क्या है? हमारे इश्यूज क्या होंगे? हमारे इश्यूज इशू है कि प्रॉपरली बुक लिखी जानी चाहिए, वो इश्यूज के लिए ये अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, धीरे धीरे आगे वो जो ऑथर है इस पे कंसल्टेशन लेके प्रॉपरली इसको बुक को करेगा। हमारी मांग पूरी हुई, उसमें मेंशनड है कि फाइनली प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हुआ और हमारी सारी मांगे पूरी हो गई। हमारी मांगे तो पूरी नहीं हुई थी, हमें आश्वासन दिया गया कि हमारी मांगे पूरी हुई। प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका ना? प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ था, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, प्रोटेस्ट को हम लोगों ने पीसफुली स्टॉल किया था कि हम अब गवर्नमेंट की बात सुन रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने जो प्रोमिसेस किए हैं वो फुलफिल नहीं किए तो वी विल रिज्यूम इट अगेन।
ये बुक ये दिया है कि जो हमने अभी तक फाइट की है उसी फाइट के लिए। सर मैं बता, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, ये जो प्रोटेस्ट के बारे में इतना बोल रही है, नवीन के अंकल यहाँ पे है, नवीन के अंकल दर दर भटक रहे हैं, उनको रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, उनको उनको रहने के लिए जगह नहीं है, वो हमको बता रहे हैं। अरे नहीं सर, नवीन के अंकल हमसे मिले, ठीक है, उनको रहने के लिए कोई अकोमोडेशन नहीं है, अगर इनको इतनी केयर है तो फैमिली से जाके सीधा ये बात कर ले। हम चाहते हैं, देखिए, हम चाहते हैं अच्छी चीज़ें हो, ये लोग जाके फैमिली से बात करें, उन्हें जाके मदद करें, उन्हें जितनी एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही है उसमें जाके हम हेल्प करें। NDMC में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है फैमिलीज को, मेरी इनसे ये विनती है कि वो उनको हेल्प करें। और सर ये थे वो लास्ट बात, एक और बोलना चाहूँगा मैं कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे ये जो कह रहे हैं ना, कोई प्रशासन डील नहीं कर रहा, रात में भी बीट अफसर ने अपनी नंबर दे रखा हमारे को, कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को सीधा फोन करते हैं, दिल्ली पुलिस सॉल्व करवाती है उसे, और ग्रीवियंस रजिस्टर रखवा दिया गया है, मतलब आधी मांग सोल्व हो रही है और आधी प्रोसेस में है, सरकारी प्रोसेस है, कोई ईजी तो नहीं है कि एकदम पे बना। धन्यवाद। अच्छा रिकॉर्ड करो। देखो सर, जितना मुझे पता है, पहली बात तो मुझे उस बुक में कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। यार चुप हो जाओ, झगड़ा नहीं करना, उसका भी कंसर्न रहे यार वो। अरे यार कंसर्न सबके है, फिर प्रॉब्लम क्या है यार भाई? सर क्या है सर, मैं चाह रहा हूँ अगर ये लोकेश फाइनल बुक लाना चाहता है, जितने बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे थे सबकी बातें सुने, सबके पास में खुद की स्टोरीज हैं, उन्होंने क्या फेस किया है, क्या देखा है, सब चीज उसमें मिलता है, सबकी किस्सा कोई उसमें होनी चाहिए। 15 दिनों से, 15 अगस्त से लेके आज तक लोकेश यहाँ आके घूम घूम के सबको बोल रहा है कि जिसको जो जो यहाँ बताना है बताइए, मैं फाइनल बुक बना रहा हूँ, तब एक भी इंसान उसके पास नहीं आया। अब कहाँ थे आप लोग, आप उसकी बुक लॉन्च हो रही तो आप हंगामा कर रहे हैं। एक जो लोग थे वो शायद हमारे नोन में से एक भी नहीं था, वो जिस एक एक लोगों की ये बात कर रहे हैं वो शायद हम लोगों के नोन में कोई नहीं था, और हमारा कंसर्न ये नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, हमारा कंसर्न ये है कि ऑल द डिमांड्स वर मेट, ये उस बुक में लाइन मेंशनड है। इफ आई एम रॉन्ग, शो मी वेयर इट्स नॉट मेंशनड, आई विल शो यू वेयर। पहले इनका ये कहना है कि क्या होता है, पहले पेज में सब कुछ थोड़ी मेंशनड है, लाइए मैं उस बुक के पेज को खोल के दिखाती हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है। बोला है देखिए, इसमें उन्होंने पूरी लीगल डिटेल्स मेंशन किए, द बुक कंटेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्सनल इंटरव्यूज, सोशल मीडिया न्यूज, मीडिया एंड अदर पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, तो क्या दिक्कत हो रही है? प्रोटेस्ट हमारे वजह से खत्म हुआ है, सीरियसली? हाँ इधर आइए, प्रोटेस्ट हुआ क्या है? दिक्कत क्या है यार, दिक्कत क्या है? पर्दे के सामने लाइट में हटाना, फिर मैं बताता हूँ, सुनो, आई हैव प्रॉब्लम विद द कैमरा, दिस इज अ सिंपल थिंग। एक लड़की हमारे प्रोटेस्ट के बीच में आती, ओके, इट वाज अ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, एक लड़की आती है, वो बोलती है मैं हंगर स्ट्राइक कर रही हूँ, ठीक है, वो लड़की अगले दिन सुबह डिक्लेयर कर देती है, यार रुकना, अगले दिन ये लड़की सुबह डिक्लेयर कर देती है मेरी तरफ से प्रोटेस्ट, हम ऑफिशियली प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ। चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। एक भी मीडिया इंटरव्यू लाइए या एक भी मेरा रिटन स्टेटमेंट लाइए जहाँ पर मैंने कहा कि मैं ऑफिशियली इसको कॉल ऑफ करती हूँ। आप कोई भी लाइए, आपने क्या काम किया, आपने कितना काम किया, आपने क्या कल से मेरी बात चल रही है, कंपनसेशन जितने बाकी कोचिंग, झगड़ा क्यों बन रहा है? जो मैडम कह रही है इनका कंसर्न कितना जायज है, कितना क्या है ये मामला? सर देखिए, इसमें बहुत सारे, इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे बच्चे बैठे भी हैं, जो कुछ लोग पहले आए हैं फिर कुछ लोग बाद में आए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे वो इशू ये उठ रहा है कि इसमें फ़ोटो होना चाहिए, नाम होना चाहिए, तो जो मैं राइटर से बात किया हूँ तो राइटर ने ये बताया कि जिन लोगों का मुझे कंसेंट मिल गया है मैं सिर्फ उन्हीं का फ़ोटो और उन्हीं का नाम डाला हूँ, तो राइटर का कहना भी सही है कि विदाउट कंसेंट किसी की फ़ोटो नहीं लगा सकता, कल कुछ बात हो जाए तो कंसेंट। वो मैडम नाम और फ़ोटो के साथ साथ ये भी कह रहे कि सारी चीज़ें इस बुक में नहीं रखी गई है, तो ये प्रोटेस्ट खत्म होने की बात इसमें कही। हाँ, तो राइटर से जो मेरी बात हुई है, लोकेश से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने ये बोला मुझे कि राम अभी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और है उनके पास,
उनके पास में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी है और वो राम जी भी हैं, आइए आप भी आइए आ जाओ। तो वो एक फाइनल बुक अभी बनाएंगे। फाइनल बुक में एक बार फिर से बच्चों से कंसेंट लिया जाएगा कि किसकी फ़ोटो रखनी है, किसका कौन सी स्टोरी रखनी है, यह भी सारा चीज़ इन्होंने मुझे बताया। ये बात बुक ओवरऑल जो आपने बुक देखी, आप भी उसमें थे लॉन्च में, तो बुक को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लगातार प्रोटेस्ट में थे, लीड भी कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि बुक का सिग्निफिकेंस सिर्फ हमारे लिए इतना ही है कि जो लोग पीछे प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हो पाए, कम से कम उनको तक महसूस पहुंच जाएगा कि प्रोटेस्ट के लिए क्या चल रहा है और आगे अभी प्रोटेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या क्या निकल के आएगा फ्यूचर में। तो ये चीज़ बहुत हंगामा हो गया आपकी बुक पर। सर, ये हंगामा एक्चुअली में सारे का सारा फ़ोटो के ऊपर है कि भाई हमारी फ़ोटो क्यों बुक में नहीं आई। लोगों को ये समझना चाहिए, जब 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा हुई तब हमारा बुक कवर लॉन्च हुआ था, तब मैंने बताया था इस बुक के बारे में, मेरे कॉन्टैक्ट सारे दिए थे कि भाई अगर किसी को कॉन्ट्रीब्यूशन का लगता है कि भाई आपको कुछ इमेजेस देनी है या आपके मन में कोई कहानी है आपको वो बतानी है, तब सर कोई नहीं आया। आज बुक लॉन्च के टाइम पे ये एकदम से मैडम आती कहने कि इसमें प्रोटेस्ट खत्म होने की बात लिख दी, पूरी तमाम फैक्चुअल चीज़ें नहीं लिखी गई, सीरीज नहीं लिखी गई, कई चीज़ों पर उन्होंने हंगामा किया। एक्चुअली में मैडम को थोड़ा सा शायद कम पता है कि एक एडवांस रीडर कॉपी होती है जो अपने यार दोस्तों में किताब रखी जाती है कि भैया अगर कोई इशू है तो उसको सॉल्व किया जाए, और ऊपर से किताब निकालने में कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व होती है, लोगों को लगता है कि ये सब ऐसा ही है। तो एक एडवांस रीडर कॉपी थी, आसान शब्दों में किसी को नहीं समझ आता तो एक डेमो कॉपी होती है। मैं एक इंसान हूँ, मेरे से भी कुछ चीज़ें छूटेंगी, अगर लोग मेरे पास नहीं आते तो मैं अपना ही फ़ोटो और जो मेरा पर्सपेक्टिव एक्चुअली इसमें बहुत ही कम है, सारा का सारा जो नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में आए, मैंने वो चीज़ें इसमें रखी हैं। चीज़ें मतलब जो आपने देखी, जो पत्रकारों ने छापी, वही इसमें रखा है। हाँ, इसमें वही कुछ और बच्चे भी इधर हैं। क्या नाम आपका? आस्था। आस्था, आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप यहाँ पर रही भी हैं, आज ये हंगामा भी आपने मेरे ख्याल से देखा है पीछे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? सर, जो भी वहाँ पे हंगामा या जो भी मैटर हुआ था, पहली बात तो नोबडी हैज़ एनी राइट्स टू से दिस काइंड ऑफ लाइंस कि हम बुक फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, जो उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट वाज टोटली अनएथिकल। और दूसरी चीज़ कि एवरीबडी हैज़ द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 1 के हिसाब से दे शैल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो भी यहाँ पे मैटर हुआ, हम स्टूडेंट्स उस बुक के अकॉर्डिंग वी जस्ट वॉन्टेड टू पे सम ट्राइब्यूट टू द यू नो द डिटर्मिनेशन एंड द रेजिलियंस ऑफ द स्टूडेंट जो उन्होंने यहाँ पे ये अपनी लाइफ खो दी है। हम उसके बारे में एक पब्लिकली पब्लिश करना चाहते थे किसी चीज़ को, उस चीज़ को, ताकि लोगों को और भी इस बारे में पता चले कि क्या क्या हुआ था। इट इज़ जस्ट अ फ्रेश डेमो, इट्स नॉट लाइक वी आर सेइंग दैट कि एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, बिकॉज एज ही सेड माय फेलो फ्रेंड, ही सेड कि भाई हाँ, कोई भी चीज़ हम लॉन्च करते हैं या कुछ लिखते हैं तो ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन सेटिस्फाई हैं, जो लोकेश ने लिखा उससे सेटिस्फाई है कि कुछ द सेटिस्फैक्शन हैज टू कम फ्रॉम द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि जो फैमिली के जो विक्टिम्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनका भी कंसेंट है इसमें, तो अगर उनका कंसेंट है ना तो फिर हम बाकी किसी का कंसिडरेशन हमें मुझे नहीं लगता लेना चाहिए। ठीक है, नहीं बच्चे हैं वो उनका कहना कि मैं प्रोटेस्ट में थी और जो सीरीज है वो ठीक से नहीं रखी गई, फैक्ट भी ठीक से नहीं रखे, दैट वन पर्सन कैन नॉट डिसाइड। ऑब्वियसली इट वॉज अ प्रोटेस्ट, ऑब्वियसली इट वॉज अ बिग इंसिडेंट और एक्सीडेंट यू कैन से। तो एक आदमी अगर आके बोले कि ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, वो उसका वो कलेक्टिवली हम डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे हम एक सिंगल पर्सन के कहने पर नहीं बोल सकते। तो लेट दिस बुक पब्लिश फर्स्ट, लोगों के पास ये बुक पहुँचनी तो चाहिए, उसके बाद से कोई फीडबैक अगर आता है नेगेटिव और पॉजिटिव, देन आफ्टर वी कैन डिसाइड, एंड इफ देर इज समथिंग रॉन्ग देन दे कैन बैन द बुक। Obviously there is a solution for everything, right? But ऐसे issue बना करके बीच में चिल्लाना, क्यों झगड़े बहुत हो रहे हैं protest में, शुरुआत से अब तक देखते हो रोज about the unity with the people of India preamble and all, but there is no unity, सच कहूँ तो। और बस यहाँ पे मुझे जैसा लास्ट वीडियो में भी बहुत लोगों ने देखा था कि शी वॉज द ओनली वन टू कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट, शी वॉज द ओनली वन टू कम इन द मीडिया इन फ्रंट इन एवरी मीडिया, मतलब हर न्यूज़ चैनल के उसमें आने में, बट द थिंग इज़ कि आपका जो प्रॉपर मुद्दा है ना, आप उस पर बात ही नहीं करो, आप जस्ट हाईलाइट होना चाहते हो, आप बस लोगों से फाइट करना चाहते हो विदाउट एनी यूनिटी, एंड देन यू आर पब्लिशिंग योर सेल्फ ओनली ऑन लिंक्डइन कि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंड देन यू आर सेइंग कि लाइक आपके बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है। हु आर यू टू यू नो, कि आप कोई सेलेब तो हो नहीं, ना ही आप कोई पॉलिटिशियन हो, स्टूडेंट तो है ना,
स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट्स के साथ मिल करके स्टूडेंट का वाई एवरीबडी इज अगेंस्ट, वाई एवरीबडी इज अगेंस्ट, एक पर्सन नहीं है ना, दो पर्सन नहीं है, सब कलेक्टिवली नोबडी वॉज इन एट हर साइड कि भाई तुमने क्या सोच करके प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया। चलो ठीक है, अब वो मैटर भी सॉल्व हो गया। नाउ वी आर लॉन्चिंग द बुक अगेन, यू आर कमिंग एंड यू आर सेइंग दैट कि तुम बुक को फाड़ दोगी, तुम ऐसे कर दोगी, वैसे कर दोगी, कैसे, मतलब हु इज गिविंग यू द अथॉरिटी टू से दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट? ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि किसी ने कुछ मेहनत करके लिखा है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर किसी चीज से खुश नहीं हो तो आप उसको अपना एक कंसर्न दे सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, बट आप पब्लिकली इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, राइट? तो ये प्रॉब्लम थी हमारी। और बाकी हमने बता दिया कि बुक लॉन्च होने के बाद एक बार जब ये लोगों से जब हमें फीडबैक मिलेंगी और पता चलेगा कि हाँ दिस बुक हैज एक्चुअली वर्क्ड और नॉट, उसके बाद से वी विल डिसाइड वेदर दिस बुक शुड बी बैंड और नॉट, राइट? तो थैंक यू सो मच, यही मैं कहना चाहती थी। जी हाँ, तो ये थे वो तमाम स्टूडेंट जो ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे थे, प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। अब बुक के पब्लिकेशन के टाइम पर इस पर हंगामा हुआ, तो इस पर जो मिलीजुली राय हमने आपके सामने रखी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? बुक को इस समय जब पब्लिश किया जा रहा है उसको लेकर जो अपोजिशन की आवाज़ आई है वो कहाँ तक उचित है या इसको पब्लिश होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आप ज़रूर अपना कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार।